सुप्रिया जी, सबसे पहली सरकार महाराष्ट्र में किसी ने गिराई तो श्रीमान शरद पवार जी ने गिराई थी, और वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराकर भारतीय जनसंघ का समर्थन लेकर वो मुख्यमंत्री बने। कन्वीनर बरोबर है, मुख्यमंत्री कौन बना? सत्ता किसने भोगी? सत्ता का सुख किसने प्राप्त किया? शरद पवार जी ने। माननीय मोदी जी तो एक अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय मीटिंग में चीन के राष्ट्राध्यक्ष को मिले थे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर मोदी जी ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे नहीं लगाए थे। माननीय, मुझे मालूम है शांति की अपील तक नहीं बैठेंगे, शांति की अपील तक नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनको शांति नहीं करना है, ये भी वॉकआउट कर जाएंगे, देख लो, ये वॉकआउट कर जाएंगे। सुप्रिया सुले जी ने कहा कि हमने सरकार गिरा दी। सुप्रिया जी, सबसे पहली सरकार महाराष्ट्र में किसी ने गिराई तो श्रीमान शरद पवार जी ने गिराई थी, और वसंत दादा पाटिल की सरकार गिराकर भारतीय जनसंघ का समर्थन लेकर वो मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनसंघ का, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं। माननीय, मान्यवर, नहीं दीजिए मान्यवर, इनका जवाब सुन लीजिए। सर, जोशी जी उसके कन्वीनर थे। नहीं, कन्वीनर बरोबर है, मुख्यमंत्री कौन बना? सत्ता किसने भोगी? सत्ता का सुख किसने प्राप्त किया? शरद पवार जी ने। उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। मान्यवर, तरुण गोगोई जी ने चीन की बात निकाली, गौरव गोगोई जी ने चीन की बात निकाली। मान्यवर, मोदी जी तो एक अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय मीटिंग में चीन के राष्ट्राध्यक्ष को मिले थे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर मोदी जी ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे नहीं लगाए थे, जिससे 62 जैसी हार का, करारी हार का सामना करना पड़ा। और श्री जवाहरलाल नेहरू जी तो इसी सदन में आकाशवाणी पर बोल गए थे, बाय बाय आसाम। ये तो हमारे सेना के जवानों ने आसाम को बचाया मान्यवर, और चीन ने एक तरफा समाधान किया तब बचाया। मान्यवर, 2008 में बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में चीनी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति शी जिनपिंग की साथ में समझौता हस्ताक्षर किसने किया था? कौन था वहां? कौन था? और ये हमें सवाल पूछ रहे हैं। मान्यवर, चीनी दूतावास की वेबसाइट पर एक तस्वीर है जिसमें ओलंपिक में चीनियों की मेजबानी से किए जा रहे गांधी वाड्रा परिवार की एक पूरी तस्वीर है, जिसमें पूरा मेज खाने की चीजों से भरा है। एक कोई अंतरराष्ट्रीय संवाद या गोष्ठी नहीं थी। मान्यवर, अभी अभी एक न्यूज लिंक का खुलासा हुआ है, न्यूज क्लिक का खुलासा हुआ है। अब न्यूज क्लिक ये सारे लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि हमें गाली बोलते हैं, मोदी जी को सवाल पूछते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, कुछ इनपुट्स भी देते हैं, कुछ वहां से ली हुई चीजों को फॉरवर्ड भी करते हैं, सूट सबसे सब है, पूरा यूपीए का गठबंधन है मान्यवर। परंतु ये न्यूज क्लिक किसके पैसों से चलता है? चीनी एजेंसी के पैसों से। और मान्यवर, ये हमें सवाल पूछते हैं,